केंद्र कैबिनेट निधि स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी, 5,718 करोड़ रुपए की आएगी लागत। तेलंगाना में आसमानी आफत से सड़कें हुई तालाब, घर पर पत्थर गिरने से 2 महीने के बच्चे समेत 15 की मौत। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री दिलीप रे के लिए उम्र कैद की सजा मांगी, सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला। कृषि कानून पर किसान और केंद्र की बातचीत विफल, बैठक में मौजूद नहीं थे कृषि मंत्री। गुजरात में पुलिस ने कहा गांधीधाम में तनिष्क शोरूम पर हमले की बात गलत। हाथरस कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर, पुलिस पर SC ST नियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग। FAO की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री। हाथरस मामला सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का हलफनामा, पीड़ित परिवार और गवाहों को दी जा रही है 3 स्तरीय सुरक्षा। टैक्स माफी की मांग लेकर मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे थे रजनीकांत, जज ने जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। महाराष्ट्र में मंदिर ना खोलने को लेकर अब फडणवीस की पत्नी ने सीएम उद्धव को घेरा। केरल कांग्रेस ने UDF से अलग होने का किया फैसला। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस, कहा ये नागरिक अधिकारों का मामला। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेंगी 392 त्योहार स्पेशल ट्रेनें। तेलंगाना में स्थानीय लोगों ने की फर्जी साधु की पिटाई, नाबालिग बच्ची के साथ करता था दुष्कर्म। महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिन भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। ब्रह्मोस पर बोले DRDO प्रमुख, मिसाइल के परीक्षण का उद्देश्य स्वदेशी सामग्री को बढ़ाना। शरद यादव की बेटी शुभाषिनी राज राव ने थामा कांग्रेस का हाथ, बिहार चुनाव में टिकट पक्का। केंद्र का बड़ा फैसला, सभी मंत्रालयों व PSU के लिए अनिवार्य हुई BSNL MTNL की सेवाएं। आतंक को पनाह देने और अल्पसंख्यकों को जुल्म करने के बाद भी UN मानवाधिकार परिषद में चुना गया पाकिस्तान। उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला, 1 नवंबर से खुलेंगे 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल। नीतीश कुमार ने कहा काम के आधार पर वोट दे, नहीं तो 15 साल पुराना हाल हो जाएगा। ऋचा चड्ढा ने मानहानि केस लिया वापस, पायल घोष ने मांगी बिना शर्त माफी। पाकिस्तान क्रिकेट में उथल पुथल, मुख्य कोच और चयनकर्ता मिसबाह का इस्तीफा। लखनऊ में महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में कांग्रेस नेता के पुत्र को हिरासत में लिया।